इंडस्ट्री का कैनवास पूरी तरह से बदल रहा है। पहले जहां ये छोटी बजट की फिल्में हुआ करती थी, अब बड़ी बजट की फिल्में हुआ करती हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री का दायरा भी यानी कि उसका क्षेत्र भी काफी बढ़ रहा है। और इस बढ़ते हुए दौर में क्या आप नहीं जानना चाहते हैं कि आपके ये भोजपुरिया फिल्मी सितारे किसी बॉलीवुड के फिल्मी सितारों से कम पैसे नहीं कमाते? जी हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री क्या कमाई करती होगी, भोजपुरी इंडस्ट्री में कहाँ इतना पैसा या भोजपुरी इंडस्ट्री वाले कहाँ इतना ज्यादा पैसा कमा पाते होंगे, तो आप इस मिथ को तोड़ दीजिए। जी हाँ, आप इस मिथ को तोड़ दीजिए और चलिए आपको आज हम बताते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री का एक स्टार यानी कि एक सुपरस्टार कितनी मोटी रकम वसूलता है अपनी एक पिक्चर के लिए अपने प्रोड्यूसरों से। दिनेश लाल यादव निरहुआ, जी हाँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ अपनी पर फिल्म के लिए 30 से 35 लाख रुपए लेते हैं और फिल्मों में प्रॉफिट भी शेयर करते हैं। ये पिछले साल के आंकड़े से इस साल का आंकड़ा 10 लाख का बढ़ गया है। जी हाँ, पिछले साल इनका आंकड़ा 20 से 25 लाख का था, तो अब 30 से 35 लाख का हो गया है, यानी कि 10 लाख का इजाफा। और अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट पायदान पे है खेसारी लाल यादव। जी हाँ, खेसारी लाल यादव इस पायदान पर इसलिए आए हैं क्योंकि बड़े ही कम समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। खेसारी लाल यादव ने पिछले साल अपनी पर फिल्म के लिए 35 लाख लिया था, वहीं इस साल अपनी पर फिल्म के लिए वो 40 लाख रुपए ले रहे हैं। जी हाँ, सीधे 5 लाख का इजाफा किया है खेसारी लाल ने पर फिल्म की फीस में। और अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ विराजमान है सभी के चहेते हरदिल अजीज, सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह। जी हाँ, पवन सिंह अपनी पर फिल्म के लिए 45 लाख रुपए लेते हैं, जो कि पिछले साल वो 40 लाख रुपए लिया करते थे और इस साल 5 लाख का इजाफा करते हुए अपनी पर फिल्म की फीस को उन्होंने बढ़ाकर 45 लाख रुपए कर दी है। आपको यहाँ बता दें कि कभी वो दौर भी था जब पवन सिंह की फिल्में 45 लाख रुपए में बन जाया करती थी, यानी कि उसका पूरा ओवरऑल बजट 45 लाख रुपए का हुआ करता था। आज वो दौर है कि पवन सिंह अपनी पर फिल्म की फीस ही 45 लाख रुपए लेते हैं। और अब बढ़ते हैं सबसे ऊपरी पायदान पर और यहाँ विराजमान है रवि किशन। जी हाँ, रवि किशन की भोजपुरी फिल्में भले ही नहीं चलती हैं, लेकिन आज भी जनता में उनकी डिमांड है। वो पर फिल्म 50 लाख रुपया लेते हैं। जी हाँ, रवि किशन की साउथ की फिल्मों में भी अच्छी पकड़ है और हर साल तकरीबन वो 5 से 6 फिल्में साउथ की कर लेते हैं और साथ ही साथ वो हिंदी फिल्मों में भी काम करते हैं और समय मिलते ही वो भोजपुरी फिल्मों में काम करना बिल्कुल नहीं भूलते क्योंकि उन्हें अपनी माटी से बहुत प्यार है। और आपको यहाँ बता दें कि अपनी भोजपुरी फिल्मों के लिए रवि किशन स्पेशली टाइम निकालते हैं। तकरीबन 2 से 4 फिल्में वो भोजपुरी की हर साल कर लेते हैं, लेकिन इस साल उन्होंने भी अपनी फीस में इजाफा किया है। पिछले साल उनकी फीस 45 से 48 लाख रुपए के बीच हुआ करती थी, लेकिन अब उन्होंने सीधे इसमें इजाफा करते हुए 50 लाख यानी कि पूरे 50 लाख रुपए रवि किशन अपनी पर फिल्म के लिए फीस लेते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।